नमस्कार, मैं प्रिया। आज 8 अगस्त, चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 71,500 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते दिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 3,646 लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 71,794 पर पहुंच गई है। वहीं अगर प्रभावित जिलों में संख्या की बात करें तो अररिया में 82, अरवल में 39, औरंगाबाद में 47, बांका में 128, बेगूसराय में 56, भागलपुर में 124, भोजपुर में 75, बक्सर में 88, दरभंगा में 41, पूर्वी चंपारण में 188, गया में 87, गोपालगंज में 90, जमुई में 32, जहानाबाद में 53, कैमूर में 15, कटिहार में 211, खगड़िया में 40, किशनगंज में 23, लखीसराय में 48, मधेपुरा में 35, मधुबनी में 87, मुंगेर में 58, मुजफ्फरपुर में 109, नालंदा में 162, नवादा में 42, पटना में 566, पूर्णिया में 104, रोहतास में 114, सहरसा में 81, समस्तीपुर में 105, सारण में 75, शेखपुरा में 86, शिवहर में 20, सीतामढ़ी में 113, सिवान में 60, सुपौल में 75, वैशाली में 125, पश्चिम चंपारण में 118। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 46,265 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोविड-19 की वजह से 400 लोगों की जान जा चुकी है। सीबीआई के डीआईजी गगनदीप अब दिलवाएंगे सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ। देश में सबसे हाई प्रोफाइल मामलों में से एक माने जा रहे सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच मुजफ्फरपुर के गगनदीप सिंह करने वाली है। साल 2004 के गुजरात कैडर के आईपीएस गगनदीप इसके पहले भी कई सारे मामलों में जांच कर चुकी है। गगनदीप फिलहाल सीबीआई में डीआईजी के पद पर तैनात है। देश के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी में शुमार गगनदीप मूल रूप से मुजफ्फरपुर के रहने वाली है। वहीं अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में गगनदीप के हस्तक्षेप से लोगों को सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलवाने की उम्मीद जाग गई है। वहीं गगनदीप ने भी सुशांत सिंह राजपूत और अपने परिवार को इंसाफ दिलवाने का आश्वासन दिया है। भारत की पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र से हुई रवाना। देश के पहली किसान ट्रेन का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर किया है। इसके साथ ही देश के पहले किसान रेल नासिक के देवलाली के बिहार दानापुर से निकल चुकी है। वहीं 31 घंटे में यह दानापुर तक पहुंच जाएगी, यानी कि 6:45 पर दानापुर पहुंचेगी। मिली जानकारी के अनुसार इस ट्रेन में 15 बोगी है, कुछ बोगी एसी की भी है। किसान स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हो जाने से किसानों को काफी ज्यादा सहूलियत मिलने वाली है। किसानों की फसलों को बड़ा बाजार उपलब्ध होगा, साथ ही आमदनी भी दोगुनी होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया हवाई सर्वेक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों बाढ़ इलाकों का सर्वेक्षण करने निकले हैं। इसी क्रम में बीते दिन वो चंपारण के पीपरा तटबंध और बघा शहर का सुरक्षात्मक कार्य कर हवाई सर्वे करने पहुंचे थे। इसके साथ ही उन्होंने वाल्मीकि नगर गंडक बराज का भी निरीक्षण किया। साझा की गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने गंडक बराज की 1 से लेकर 18 फाटकों का निरीक्षण करने के साथ ही बराज कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को सावधानीपूर्वक कार्यों का निष्पादन करने का निर्देश दिया है। बिहार के 5 जिलों में 8 सड़कों पर 161 करोड़ रुपए खर्च करने की मिली मंजूरी। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया है कि विभागीय निविदा समिति में बिहार के 5 जिलों की 8 योजनाओं के लिए 161 करोड़ 12 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसी योजना के लिए करीब 74 किलोमीटर लंबाई में सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का काम किया जाएगा। वहीं नालंदा में एक उच्च स्तरीय RCC पुल का भी निर्माण किया जाएगा। बिहार बोर्ड ने 12वीं का अपडेटेड रिजल्ट किया जारी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 12वीं कक्षा का अपडेटेड रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड ने इस रिजल्ट के जरिए 10वीं और 12वीं के पेपर में फेल हुए 2.14 लाख छात्रों को प्रमोट किया है। अब रिजल्ट के जरिए उन छात्रों को ग्रेस देकर पास किया गया है जिनके नंबर पहले से ही पासिंग मार्क्स के करीब थे। इसके साथ ही अब कोविड-19 के समय में कंपार्टमेंट एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 12वीं कक्षा में कुल मिलाकर 1,32,586 स्टूडेंट फेल हो गए थे, जिनमें से 46,005 एक विषय में और 86,481 दो विषय में फेल थे। ग्रेस मार्क्स देने के बाद 72,610 स्टूडेंट को पास कर दिया गया है। कोविड-19 के इस माहौल में IBPS ने निकाली बंपर रिक्तियां। कोविड-19 के माहौल के बीच IBPS ने 1,167 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने प्रोबेशनरी ऑफिसर PO और मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें कुल मिलाकर 1,167 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 587 पद अनारक्षित पद के लिए है। वहीं 233 पर OBC और साथ ही 118 EWS के लिए और 159 SC के लिए है और 71 पद ST के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार IBPS के आधिकारिक वेबसाइट IBPS.IN पर जाकर 26 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी विषय में ग्रेजुएशन करने वाले अभ्यर्थियों को इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं।
सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई ने दर्ज किया मामला। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की बागडोर अब सीबीआई के हाथ में सौंप दी गई है, जिसके बाद अब सीबीआई ने बीते दिन रिया चक्रवर्ती समेत उनके 6 परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार रिया चक्रवर्ती और 5 अन्य के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत को इस कदम के लिए उकसाने समेत अन्य आरोपों को ध्यान में रखते हुए मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई की तरफ से जिन लोगों का नाम इस पूरे जांच के लिए दिया गया है उसमें रिया चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शोभित चक्रवर्ती, सुशांत के घर के मैनेजर सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज है। कहलगांव एनटीपीसी की 4 यूनिट में उत्पादन पूरी तरीके से ठप। एनटीपीसी प्रबंधन ने इस बात की जानकारी दी है, साथ ही बताया है कि कहलगांव के 4 यूनिट को बंद कर दिया गया है। समय रहते अगर समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो बिजली की परेशानी बढ़ सकती है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बिजली की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि कहलगांव एनटीपीसी की 4 यूनिट से बिजली का उत्पादन बिल्कुल ही बंद है, जिसकी वजह से 2344 मेगावाट के स्थान पर महज 910 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो पा रहा है। हालांकि एनटीपीसी प्रबंधन टूटे तटबंध और तकनीकी खराबी को लेकर उसे दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, लेकिन हालात पर जल्दी नियंत्रण पाने की उम्मीद नहीं जताई जा सकती है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रमेश चंद्र झा की। रमेश चंद्र झा एक कवि थे जिन्हें बिहार का पहला मुख्यमंत्री बनने का विकल्प दिया गया था। उन्होंने इस पद को हालांकि लेने से मना कर दिया था। रमेश चंद्र झा कविता, गजल और कहानियां लिखते हैं। वो अक्सर अपनी कविता के माध्यम से लोगों को संघर्ष और उनके सपनों को दिखाते थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, रमेश चंद्र झा का जन्म बिहार के मोतिहारी जिले में 8 मई 1928 को हुआ था। रमेश झा को अपने काम के लिए इंदिरा गांधी ने भी ताम्रपत्र से नवाजा था। वहीं उन्हें रानीगंज वेस्ट बंगाल के उदय नारायण तिवारी की तरफ से 2 अक्टूबर 1993 में नवाजा जा चुका है। मछली उत्पादन के मामले में 4th स्थान पर पहुंचा बिहार। बिहार सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने इस बात की जानकारी दी है, साथ ही बिहार के 6 पशुशाला और कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया है। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए बताया कि मत्स्य पालन में बिहार आत्मनिर्भर हो रहा है। कृषि रोड मैप के बाद उत्पादन और भी ज्यादा बढ़ गया है, संभावनाएं अभी भी और ज्यादा है। उन्होंने बताया कि मछुआरों के लिए विकास का काम हो रहा है, मत्स्य को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं भी लगातार सरकार की तरफ से जारी की जा रही है और परिणाम आज ये है कि बिहार मत्स्य पालन के मामले में 4th स्थान पर पहुंच गया। हालांकि सरकार ने अब 317 योजनाओं का उद्घाटन बहुत ही जल्द करने की बात भी कही है। बिहार में बाढ़ से 21 लोगों की गई जान। कोविड-19 के इस माहौल में बिहार में बाढ़ ने परेशानी बढ़ा रखी है, जिसकी वजह से 69 लाख लोग प्रभावित हैं। बिहार में बाढ़ की वजह से 21 लोगों की जान जा चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार बाढ़ की वजह से 16 जिले बुरी तरीके से प्रभावित है। वहीं बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात कर दिया गया है। इधर राज्य सरकार के बाढ़ प्रभावित परिवारों के बैंक खाते में 6,000 की राशि भी पहुंचाकर आर्थिक मदद देने में लगी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक राज्य के 16 जिले के कुल 124 प्रखंड के 1185 बाढ़ से प्रभावित है। वहीं प्रभावितों की मदद के लिए 1402 सामुदायिक किचन भी चलाए जा रहे हैं, जहां पर 10 लाख लोगों का भोजन करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पृथ्वी दिवस के मौके पर 6 दिन पर करेंगे पौधारोपण। 9 अगस्त को पृथ्वी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आर ब्लॉक दीघा 6 लेन पर पौधारोपण करने वाले हैं, जिसके तहत वो मिशन 2.5 करोड़ पौधारोपण कार्यक्रम का समापन करेंगे, जिसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की तरह से साझा की गई है। साझा की गई जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया है कि 9 अगस्त को जहां मुख्यमंत्री राजधानी के आर ब्लॉक दीघा 6 लेन के किनारे पौधारोपण कर मिशन 2.5 करोड़ पौधारोपण अभियान का समापन करेंगे, वहीं राज्य के सभी पंचायतों, प्रखंडों, अनुमंडल और जिला स्तर पर कम से कम एक संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित कर पौधारोपण और जागरूकता मुहिम चलाई जाएगी। वहीं राज्य की जनता से अपील करते हुए 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस के मौके पर एक एक पौधा लगाने की अपील की गई है। आईपीएस विनय तिवारी को मुक्त करने पर बिहार डीजीपी ने बीएमसी को किया धन्यवाद। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तहकीकात करने मुंबई पहुंचे आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को बीएमसी द्वारा जबरदस्ती क्वारंटाइन किए जाने के बाद लगातार बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस एक दूसरे के आमने सामने थी, जिसके बाद अब बीएमसी ने आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को छोड़ दिया है, जिसको लेकर के बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बीएमसी का धन्यवाद व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद बिहार के पुलिस मुख्यालय ने बीएमसी के आयुक्त को पत्र लिखकर अपने आईपीएस अधिकारी को मुक्त करने के लिए अनुरोध किया है, जिसको देखते हुए आईपीएस विनय तिवारी को मुक्त कर दिया गया है, जो कि पटना लौट चुके हैं। इनके लिए बीएमसी का धन्यवाद। कटिहार सदर अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी की कोविड-19 से गई जान। कटिहार सदर अस्पताल के एकमात्र सर्जन डॉक्टर डीएन पोदार की 20 दिनों के बाद जान चली गई है। एम्स पटना में इलाज के दौरान शुक्रवार की सुबह उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। 22 जुलाई को उनकी स्थिति बिगड़ने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स में रेफर किया गया था। हालांकि कोविड-19 के इस माहौल का सामना करते करते उनकी जान चली गई है। उनकी जान गंवाने की खबर सामने आने के बाद जिले के चिकित्सकों और आम लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं दूसरी तरफ कटिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रिकॉर्ड तोड़ 403 नए मरीजों की पुष्टि की गई है।
बिहार के 18 जिलों में बारिश की जताई गई संभावना। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार पटना, गया, नालंदा, बांका, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर सहित 18 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान देर रात से शनिवार की दोपहर तक आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में चक्रवाती सिस्टम के साथ ही हवा के दबाव का क्षेत्र देखने को मिल रहा है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार छत्तीसगढ़ तक फैला है। इसकी वजह से 40 से 55 किलोमीटर पूर्व उत्तर की दिशा में तेज हवाएं चल रही है। निम्न हवा के दबाव की वजह से बिहार के विभिन्न क्षेत्र में बारिश के आसार बने हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार IGIC के नए भवन का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार IGIC के नए भवन का उद्घाटन आज करने वाले हैं। पटना के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में लगभग 60 करोड़ की लागत से नया भवन बनकर तैयार हो गया है। वहीं उद्घाटन से पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बीते दिन भवन का निरीक्षण किया था। वहीं मंत्री ने इस संस्थान में 6 दिनों के स्टेप डाउन इंसेंटिव केयर यूनिट का भी उद्घाटन किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में लगभग 60 करोड़ की लागत से बन रहे इस नए भवन में 20 करोड़ के फर्नीचर और 53 करोड़ के अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। रिया चक्रवर्ती ईडी को गुमराह करने की कर रही है कोशिश। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ बयान दर्ज करवाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ऑफिस बीते दिन पहुंची थी। हालांकि सूत्रों के माने तो रिया चक्रवर्ती ने सहयोग नहीं किया है। वहीं वो सवालों का सही जवाब नहीं दे रही और उनका कहना है कि उन्हें कोई भी डिटेल याद नहीं है। रिया से 5 साल का इनकम टैक्स रिटर्न दिखाने को भी कहा गया है। हालांकि रिया की तरफ से इस बात को लेकर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की गई है। हालांकि रिया के भाई से दफ्तर पहुंचने के 2 घंटे बाद कुछ दस्तावेज मंगवाए गए थे। बिहार निर्वाचन आयोग ने पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव को लेकर तारीख का किया ऐलान। बिहार निर्वाचन आयोग ने पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव को लेकर तारीख का ऐलान कर दिया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार बिहार के 12 जिलों में इन पदों पर चुनाव किया जाना है। इनमें सारण में जिला परिषद उपाध्यक्ष, सोनपुर प्रमुख, दयालपुर प्रमुख, दिघवारा उप प्रमुख, कापादेशा, वहीं लखीसराय में हलसी के प्रमुख और उपप्रमुख का चुनाव 26 अगस्त को करवाया जाना है। वैशाली, भागलपुर, बक्सर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मध्यपूर्व, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा और कैमूर में भी 26 अगस्त और 2 जगहों पर 27 अगस्त को चुनाव कराया जाना है। बिहार में बुजुर्ग और कोविड-19 मरीज कर सकेंगे पोस्टल बैलेट से मतदान। कोविड-19 के माहौल में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी जारी है। विधानसभा चुनाव में मतदान को लेकर कई फैसले भी किए गए हैं। इसी फैसले को लेकर के विधानसभा चुनाव में वरिष्ठ नागरिक और कोविड-19 संक्रमित वोट कर सकेंगे, इस बात की जानकारी दी गई है। हालांकि विधानसभा चुनाव में वरिष्ठ नागरिक और कोविड-19 संक्रमित के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट करने का विकल्प दिया गया है। इस संबंध में जागरूकता के लिए उप विकास आयुक्त ऋषि पांडे ने मुहिम चलाने का निर्देश उप निर्वाचन पदाधिकारी आर निलय को दे दिया है। वहीं कोविड-19 को लेकर मतदान शिक्षा और जागरूकता के लिए रणनीति तैयार करने पर भी बात कही गई है। इसके तहत डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक जनसंपर्क करने की योजना भी बनाई गई है। बिहार में बाढ़ के कारण उत्पन्न हुई समस्या पर राजद ने सरकार को लिया निशाने पर। बिहार में बाढ़ की लगातार बढ़ रही समस्या को देखते हुए राजद नेता जगदानंद सिंह ने एक बार फिर से सरकार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मुश्किल दौर में हम लोगों से चुनाव की बात कैसे कर सकते हैं, जब एक तरफ बाढ़ की परेशानी और दूसरी तरफ कोविड-19 के कारण लोग प्रभावित है। ऐसे हालात में चुनाव की बात करना उचित नहीं है। यह काम सत्तारूढ़ सरकार का है, जो लोगों को मुसीबत में छोड़कर चुनाव करने की लगातार बात कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने लॉकडाउन की बात को भी लेकर सरकार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने है कि जब संक्रमण इतना नहीं था तो सरकार ने जबरदस्ती लॉकडाउन लागू किया था। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच हुई बातचीत पर रामविलास पासवान ने दी सफाई। चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच बहुत दिनों से अनबन की खबरें सामने आ रही थी, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सफाई देते हुए कहा है कि बहुत लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान की बातचीत नहीं होती है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मसले पर जरूरत पड़ी तो लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा और फोन भी किया। रामविलास पासवान ने आगे कहा कि अच्छी बात यह है कि जिस दिन फोन पर दोनों की बातचीत हुई है उसी दिन सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। वहीं रामविलास पासवान ने दोनों नेताओं के बीच सब कुछ सही होने का दावा किया है। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने चुनाव आयोग पर लगाए आरोप। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने चुनाव आयोग को लेकर बीते दिन तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के इस माहौल में विधानसभा के चुनाव समय पर करवाने के लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा ने कहा है कि वर्तमान समय में चुनाव का आयोजन करवाना सही नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार का गुलाम है और केंद्र सरकार अपना फायदा नुकसान देखकर ही बिहार में विधानसभा चुनाव करवाएगी। संविधान इसकी इजाजत देता है, विशेष परिस्थिति में चुनाव को टाला जा सकता है।
लोगों को घर पहुंचाने के बाद अब रोजगार देंगे सोनू सूद। कोविड-19 के इस माहौल में रियल लाइफ हीरो बनकर उभरे सोनू सूद अब लोगों को नौकरी देने वाले हैं, जिसका ऐलान उन्होंने कुछ समय पहले ही किया था। इसके लिए उन्होंने एक कंपनी के साथ बातचीत भी की है। सोनू ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है। उन्होंने लिखा है कि जहां चाह वहीं रहा, मेरे प्रवासी भाइयों के लिए मैंने अब एक कंपनी के साथ साझेदारी की है। इसके माध्यम से देश भर में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट कंपनियों में 1,00,000 नौकरी देने का वादा किया गया है। धन्यवाद, अब इंडिया बनेगा कामयाब। जय हिंद। आईपीएल के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने झारखंड में शुरू की प्रैक्टिस। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में खेलने के लिए अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलने के लिए साथ ही मैदान में दोबारा से वापसी करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने झारखंड में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी है। धोनी ने पिछले साल इंग्लैंड के साथ खेले गए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक ले लिया था। पिछले एक साल में धोनी के संन्यास को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही है। हालांकि धोनी ने इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए अपने प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत कर दी है। मीडिया हाउस की एक रिपोर्ट के अनुसार धोनी पिछले हफ्ते JSCM स्टेडियम में प्रैक्टिस शुरू कर दी है, जहां पर एक बॉलिंग मशीन की मदद से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गीता कुमारी, अरमान सिंगर, देवा कुमार, उजाला चौधरी, कुंदन कुमार, रविन्द्र पासवान, अभिमन्यु कुमार, रॉकी राज, सुधीर कुमार, रामजी प्रसाद, सौरभ यादव, मुखिया जी, अंजू कुमारी, धनंजय कुमार, कमल कुमार, रोशन कुमार, भास्कर, पंकज कुमार, गीता कुमारी, प्रहलाद कुमार, चंदन कुमार, प्रवीण कुमार यादव, मनीष कुमार, कुमार गौरव, कन्हैया कुमार, सुप्रिया कुमारी, सोनू भेलपुर। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड-19 के इस माहौल में चुनाव आयोग बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न करवाने में कितना सफल हो पाएगा? अपने जवाब हमें कमेंट के जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।